जिला संघ के वार्षिक कार्यक्रम और जिला कमिश्नर स्काउट एवं सहायक आयुक्त नीलेश सिंह रघुवंशी के दिशा निर्देशानुसार द्वितीय सोपान स्काउट गाइड प्रशिक्षण तथा जांच शिविर गायत्री वृक्ष तीर्थ महर्जा के 5 दिवसीय आवासीय शिविर का आयोजन किया गया। दिनांक 9 नवंबर 2022 से 13 नवंबर 2022 तक किया गया। जिला संगठन आयुक्त स्काउट अशोक कुमार द्विवेदी ने बताया कि जिले के खरगोन, गोगावा, सेगांव, भगवानपुरा, भिकनगांव, महेश्वर, बड़वा एवं कसरावद विकासखंड की विभिन्न संस्थाओं के 130 स्काउट एवं 40 गाइड ने भाग लिया। शिविर के 5वें दिवस समापन अवसर पर परसराम चौहान, जिला मुख्य आयुक्त स्काउट के मुख्य आतिथ्य और अवधि बिहारी गुप्ता सहायक संचालक एवं आर के सिंह कुशवाहा विकास खंड शिक्षा अधिकारी खरगोन के विशेष आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिगंबर बागड़े पूर्व जिला प्रशिक्षण आयुक्त ने किया। आतिथियों का स्काउट स्कार्फ एवं वागल से स्वागत शिविर संचालक राजेंद्र मालवीय ने किया। कार्यक्रम में जिला मुख्य आयुक्त परशुराम चौहान द्वारा बताया गया कि स्काउटिंग के माध्यम से बच्चों का संपूर्ण विकास होता है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। आप सब लोग टीवी देखते होंगे, आप सब लोग अखबार समाचार भी पढ़ते होंगे। जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति, भारत माता का, भारतीय संस्कृति का जिस प्रकार अभी इस समय हम सब लोग जो स्थान देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमारे समाज सामाजिक जो हमारे मान और हमारे जो प्रतीक हैं उनका सबका एक सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें अभी इस देश में हो रही है। बड़े बड़े संकट आए और उन संकटों को भी हमने झेला है। आप सबको मालूम है पिछले 2 सालों में जिस प्रकार से कोरोना का बहुत बड़ा संकट आया था, परंतु उतने संस्कार नहीं दिए जाते। इसमें जैसा कि स्काउट से बताया गया कि साइंस प्लस आउटिंग, विज्ञान के साथ में आपको बाहर से मोटिवेट करके आपको विज्ञान समझाया जाता है। और अपन ही जानते हैं अच्छी तरह से, नाम बोलने से याद नहीं रहता, परंतु किसी का चेहरा देखना तो दिन भर याद रहता कि इस बंदे को हमने देखा था। यही कला इसमें है। आप बाहर आए हैं, आपने 5 दिन एंजॉय कर लिया, एंजॉय के साथ आपने उन संस्कारों को भी ग्रहण किया है, जो कि एंजॉय तो अपन घर में भी करते हैं, ऐसा कोई बंद के नहीं रहते, अपन देश के नागरिक हैं, एंजॉय करते हैं, परंतु जो एक कॉमन ग्रुप में एंजॉय मिलता है, अभी आप सोचेंगे कि 200 लड़कों को जोड़ लिए तो मिलेंगे नहीं सब आपको, परंतु ये शिविर लगते हैं तो इन बच्चों को एक साथ गैदरिंग करने का मौका मिलता है, एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है, एक दूसरे के क्रियाकलाप देखने का मौका मिलता है। ये सब चीज़ें हमें शिविर में ही मिलती हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सभी सीनियर लोग हैं आपके, गाइडर जितने भी हैं, स्काउट जी प्रशिक्षण करता है, इनके अनुभव बहुत सारे हैं। मैंने भी स्काउट किया है अपने लाइफ में। अच्छा। और सर मेरे को याद है कि 5 बजे उठ के वो एक बहुत फेरी गांव में लगवाते थे मेरे से, उठ जा मुसाफिर गोर हुई है ना, वो गाना गा के हम लोग निकले थे। तो मैं ये करीब 5वीं 6वीं पढ़ता हूँ, यानी आज से करीब ये मान के चली कि 40 साल पहले की याद मेरे को याद है सबकी की। तो एक हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।